नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, लोग कहते हैं कि गुड़हल के पौधे ऐसे लगाने हैं घर में कि घर में पूजा के लिए हर दिन फूल चाहिए। इस तरह की वैरायटी जो आपको लगाने में बहुत आसानी हो, उसको केयर भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह के पौधे और उसमें फूल भी बहुत ज़्यादा हो, हर दिन घर के पूजा के लिए फूल जो आपको बैल्कनी में या फिर टेरेस गार्डनिंग में या फिर आपके घर के छोटे से गार्डन है उसमें लगा सकते हैं। ये वैरायटी मैं बताता हूँ, एक यहाँ बंगाल में एक बहुत अच्छी वैरायटी आती है। ये जो वैरायटी है इसको कहते हैं लोखी जवा। ये देखिए, इसका जो फूल है, इसका फूल का साइज़ देखिए, करीब 2 इंच का डायमीटर का फूल है और ये लोखी जवा है। ये पौधे देखिए, ये देसी वैरायटी है और इसकी खूबी है कि ये वैरायटी आपको हर साल, सारी साल आपको हर दिन 2 फूल 3 फूल 4 फूल 8 फूल 10 फूल देते रहेंगे। ये एक देखिए, और एक पौधा मैंने लाया खरीद के, और ये देखिए इसमें कितनी सारी कलियाँ है, हर एक स्टेम में आपको कलियाँ है और आपको पूरी गर्मी भर तो फूल देगा, इस सर्दियों में भी आपको फूल देता रहेगा। ये वैरायटी, ये लोखी जवा, आपको मैं बताता हूँ कि जब भी आप गुड़हल के पौधे खरीदें तो आप या तो फिर देसी खरीद रहे हैं, देसी में भी कौन सी वैरायटी आप ले रहे हैं, या फिर बैंगलोर वैरायटी ले रहे हैं, पुणे वैरायटी ले रहे हैं, या फिर अफ्रीकन ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन ले रहे हैं, अमेरिकन ले रहे हैं, आपको उस हिसाब से देख के आपको ग्रो करना है, उस हिसाब से आपको पौधा खरीदना है। चूँकि ये देसी वैरायटी हमको हर दिन फूल चाहिए, तो हम आप ये पौधे मांग के लिए नर्सरी के, लोखी जवा मुझे चाहिए, तो वो लोखी जवा ये बंगाल से जाता है, ये कटिंग आती है, ये हमारे यहाँ 50 रुपये से लेकर शुरू करके 100 रुपया तक बिकता है, आपके यहाँ 10 रुपया कम या ज़्यादा भी मिल सकता है। तो ये वैरायटी लोखी जवा वैरायटी, इसको आप कैसे ग्रो करेंगे, सबसे आसान ऐसी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, वो चीज़ डालिए, आपको साल भर आपको हर दिन 8-10 फूल पाएंगे आप। वो मैं दिखाता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये हल्का केमिकल है, मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ क्या है, बाद में बताता हूँ, पहले देख लेते हैं हम लोग ये जो है ये गार्डनिंग के लिए हम लोग क्या चाहिए। तो पहले ये 10 इंच का एक गमला लीजिए, इसमें देखिए नीचे छेद होना आवश्यक है, ये छेद है, यहाँ पर साइड से भी छेद है, जब बड़ा गमला हो तो दोनों साइड से छेद होता है और छेद होने से क्या हो, उसमें आप कोई भी आप गमले के टुकड़े लेके उस छेद को ऊपर ढक दे, या फिर आपको काफ़ी सारे जो छोटे छोटे गमले के टुकड़े हैं इसको लेके आप इस तरह से भर दें, ताकि इसमें क्या होगा, आपको पानी का निकास बहुत अच्छा होगा और इसमें ब्लॉकिंग नहीं होगी कभी, इस जो गमले के नीचे की मिट्टी है वो ब्लॉक नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप इस तरह से आप इसको कवर कर लें, ये साइड से भी हम कवर कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सॉइल मिक्सचर क्या होना चाहिए, ये सॉइल मिक्सचर आपको दिखाता हूँ क्या क्या होना चाहिए। सबसे आसान जो सॉइल मिक्सचर है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, आप लीजिए 60% गार्डन सॉइल लीजिए, 30% कंपोस्ट लीजिए और 10% बालू, रेत या बजरी ले लीजिए। ये तीन जो कंपोनेंट है ये एसेंशियल कंपोनेंट है, बहुत आसान। इसमें क्या होगा, 30% आप कंपोस्ट ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा आपको, साल भर इसमें फूल खिलने के लिए ये काफ़ी होगा। तो आप बीच बीच में महीनों भर में एक बार आप थोड़ा सा खाद डाल भी सकते हैं कंपोस्ट, ये तीन चीज़ डालने के बाद थोड़ा सा नीम खली आप डाल दीजिए, ये नीम की खली, इसमें बहुत सारा एंटी फंगल है, यानी कि एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने से क्या होता है, आपका काफ़ी सारे जो है आपको बायोबिटा वगैरह, हम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बताते हैं खरीदने के लिए कॉस्टली, वो कॉस्टली चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं। और ये जो नीम खली है ये 30 से 40 रुपये किलो में आ जाती है, तो ये इस तरह से डाल देते हैं तो इसमें आपको मिट्टी के अंदर से बहुत सारे कीड़े और मकोड़े के अटैक होता है वो नहीं होगा। ये देखिए हमारी मिट्टी तैयार हो गई है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको लगाना है। इसको मिट्टी भर लेंगे हम, करीब 4 इंच तक इसको हम मिट्टी में भर देंगे, ये 4 इंच का लेयर हमने मिट्टी में भर देंगे इसमें। उसके बाद ये जो ग्रो बैग है, ग्रो बैग से ये पौधे को काट के मैं दिखाता हूँ आपको, ये है ग्रो बैग, ग्रो बैग में दो साइड से काट के निकालेंगे तो आपका जो रूट बॉल है वो समेत पूरा अच्छी तरह से निकलेगा। ये देखिए हमने दोनों साइड से ग्रो बैग को काट लिया है, काटने के बाद ये जो है मिट्टी का जो पुलिंदा है इसको ज़्यादा हटाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी हटा दे ताकि थोड़ी सी एक्सपोज हो जाए। ये देखिए अब क्या करेंगे, हम सेंटर में बिठा देंगे इसको, सेंटर में बिठाने के बाद आपको उसी मिट्टी का जो सॉइल मिक्सचर है फिर से हम भर देंगे। और देखिए ये जो जूट स्टिक है, जूट स्टिक से इसको सपोर्ट दे रखा है ताकि ये पौधे की जो टहनी है ये गिरे नहीं। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पौधा शॉक में चला जा रहा है तो क्या चीज़ देने से आपको पौधा शॉक में नहीं जाएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और आपको वो केमिकल क्या डालना है, हल्का केमिकल, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको हर दिन आपको 4-5-6 फूल आपके पूजे के लिए मिल जाएंगे। इस तरह से देखिए हमने मिट्टी में बिठा दिया इसको,
और बीच में थोड़ा हाइट ऊपर होनी चाहिए और साइड में थोड़ा नीचा होना चाहिए। होने के बाद अब देखिए पौधा तो सेटिंग हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम पानी डालेंगे। पानी में अगर चाहे तो आप एक चीज़ डाल सकते हैं ताकि इसके पौधे जो है ये सॉक पे नहीं जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो चीज़ है ये है एप्सम सॉल्ट। ये नमक के जैसे दिखता है, ये एप्सम सॉल्ट नमक का जैसे या चीनी के जैसे दिखता है एप्सम सॉल्ट। ये आप 2 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल के इसको थोड़ा सेक कर लीजिए। उसके बाद पानी मिलाने के टाइम इस पानी के साथ ये डाल दीजिए। इससे क्या होगा, पौधा आपका सॉक में नहीं जाएगा। और एक बार इस पौधे को आप स्नान भी करा दें, ये पौधा आपका बिल्कुल लग गया। अब आपको क्या करना है, 2 या 3 दिन आपको सेमी सेड में रख देना है। 2 या 3 दिन के बाद आप इसको बिल्कुल धूप में निकालें, क्योंकि जो गुड़हल होता है उसको धूप काफ़ी पसंद है और पानी भी इसको पसंद है। लेकिन मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए, सौगी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पानी होगा, सौगी होगा तो पौधा मर जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा पूरी गर्मी भर फूल देगा, यहाँ तक कि सर्दी के सीजन में फूल देगा। और ये देखिए अभी तो अक्टूबर का एंड है, इसमें देखिए कितनी सारी कलियाँ हैं। और ये गर्मी में होगी तो कितनी होगी, बीच बीच में आपको प्रूनिंग कर देना है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर आप इसमें खाद देना चाहें तो कौन सा खाद इसके लिए, नर्सरी वाले कौन सा खाद प्रयोग कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये टॉप सीक्रेट है, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये मैंने 10 रुपये का लिया है, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है। ये देखिए एक चौक का पाउडर का जैसा, ब्लैकिश चौक का पाउडर कैसे रहते इस तरह का। ये आप देख लीजिए, इसका नाम है सिंगल सुपर फॉस्फेट, SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये आप 15 दिन में एक बार 1 चम्मच डाल देंगे। अभी तो ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए डाल देता हूँ। लेकिन आप ये डालेंगे 15 दिन बाद। आप 15 दिन बाद डाल के अगर मिट्टी जो है ऊपर की मिट्टी कड़ी हो गई तो आप इसको थोड़ी सी गुड़ाई कर दें, और एक एक चम्मच हर 15 दिन में आप ये सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल दें तो आपको यह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत है, अगर ये पौधे के जो पत्ते हैं ये खा लेते तब आपको इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन अदरवाइज़ उसका जो खाना है ये सिंगल सुपर फॉस्फेट दीजिए। हालाँकि दूसरे वैरायटी में फॉस्फेट हम कम देते हैं, लेकिन ये देसी वैरायटी जो है ये सिंगल सुपर फॉस्फेट के लिए बहुत आइडियल है। ये आप लगाइए और आप देखिए इसका पौधे में हर दिन आपको 8-10 फूल मिलेंगे, और घर में आपको पूजा के लिए और कोई फूल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। तो इस तरह से आप लगाइए, ये जो है वैरायटी है ये लोखी जुबा कहते हैं हमारे पश्चिम बंगाल में। आप कोई भी नर्सरी में जाकर कहिए कि पूछिए, क्योंकि वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छी वैरायटी होगी तो उसमें फूल ज़्यादा खिलेंगे, वैरायटी अगर दूसरी तरह की होगी तो उसमें फूल कम भी खिल सकते हैं। आपको अगर रेगुलर फूल चाहिए तो उस तरह की वैरायटी आप लीजिए। ये रहा पूरा तरीका, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माई पैशन हिंदी वर्ष में आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपको इस चैनल में आने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।